आज की राज्यसभा में राजा आम्बी ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर हर कोई स्तब्ध था। यद्यपि पहले तो सबको यही लग रहा था कि मदिरा के प्रभाव के कारण आम्बी इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है, क्योंकि सेल्यूकस जैसे सर्वशक्तिशाली सेनापति के सैन्य संगठन को तोड़ना सर्वथा असंभव था। किंतु जब आम्बी की इस बात को हेलेना ने भी स्वीकारा तो राज्यसभा की स्तब्धता और भी बढ़ गई। इसी के साथ आत्मविश्वास से भरे हुए आम्बी के होठों की मुस्कान और भी गहरी होती चली गई। अब चंद्रगुप्त की दृष्टि हेलेना पर तो आचार्य की दृष्टि आम्बी पर ही टिकी हुई थी, जबकि गुस्से से बड़बड़ाते हुए शशांक ने अपने निकट बैठे उग्रसेन से कहा, उग्रसेन जी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये दुष्ट फिर से अपना कोई नया कुचक्र रच रहा है। इसे भला सेल्यूकस और उसके सैन्य संगठन के विषय में क्या जानकारी होगी? उग्रसेन को सोचते हुए बोला, ये कल रात निश्चित ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो सेल्यूकस के भेद जानता है और ये उसी के इशारे पर ही सब कर रहा है। शशांक भी मन ही मन सोचते हुए बोला, लेकिन ऐसा व्यक्ति भला कौन हो सकता है? उग्रसेन अभी कुछ कहता कि तभी आचार्य ने आम्बी से संबोधित करते हुए कहा, राजा आम्बी, तुमने हमें ये तो बता दिया कि सेल्यूकस के सैन्य संगठन को खंडित किया जा सकता है और ये मगध के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, किंतु ये होगा कैसे? या तुम्हारे पास इसकी भी कोई योजना है? यदि है तो राज्यसभा में बताओ, किंतु ये ध्यान रहे कि तुम्हारी हर बात की जांच हेलेना करेगी, अतः हमसे कुछ भी मिथ्या कहने का प्रयास मत करना। आम्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुमारी हेलेना मेरे कथन की जांच करने के बजाय यदि खुद ही वो योजना राज्यसभा को बता दे तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा आचार्य। समूची राज्यसभा की दृष्टि एक बार फिर से हेलेना की ओर उठ गई, किंतु आचार्य अब बहुत ही कठोर स्वर में बोले, नहीं राजा आम्बी, ये विषय तुमने ही इस राज्यसभा में उठाया है, हेलेना का इससे कोई सरोकार नहीं, इसलिए अब इसका उपाय भी तुम ही राज्यसभा के समक्ष रखोगे। इस पर आम्बी ने अपने स्वर को आवश्यकता से अधिक विनम्र बनाते हुए कहा, आपका आदेश सदैव ही शिरोधार्य है आचार्य, मुझे कोई आपत्ति नहीं अथवा समस्या नहीं है। फिर वो एक पल के लिए रुका और आचार्य के साथ साथ समूची राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहने लगा, सिकंदर के सेनापतियों ने भले ही सेल्यूकस का महत्व बहुत अधिक है, किंतु केवल वो अकेला ही ऐसा शूरवीर सेनापति नहीं है, उसके समक्ष और भी ऐसे कुछ खास योद्धा हैं जिन्हें सिकंदर ने न केवल अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है बल्कि उन्हें यूनान के बहुत से क्षेत्र का स्वामित्व भी प्रदान कर रखा है, यानी वे लोग वहाँ से स्वतंत्र अधिपति हैं। जैसे हेरात, मकरान और सीरिया जैसे बड़े प्रांत सेल्यूकस के अधीन है, उसी तरह दूसरे सेनापतियों के पास भी अपने अपने अलग स्वतंत्र प्रांत और सेनाएं हैं, किंतु इन सभी की निष्ठा क्योंकि अपने स्वामी सिकंदर के प्रति अक्षुण है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये सभी आपस में संगठित हैं और किसी भी बड़े युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस दृष्टि से जब सेल्यूकस मगध पर आक्रमण करेगा तो निश्चित ही ये दूसरे सेनापति भी अपनी अपनी सेना लेकर सेल्यूकस के साथ आएंगे और तब एक इतने विशालकाय ग्रीक सेना मगध पर आक्रमण करेगी और ऐसा भीषण नरसंहार मचाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी पराजय निश्चित है। ये कहते कहते आम्बी कुछ पल के लिए रुका। अपने इस कथन का प्रभाव जांचने के लिए उसने पूरी राज्यसभा में अपनी दृष्टि घुमाई और ये पाया कि वहां अधिकांश जन बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। आचार्य बहुत गंभीरता से ये सब सुन रहे थे। सहसा उन्होंने एक दृष्टि हेलेना पर डाली। हेलेना ने इस भाव से उन्हें देखा जिससे ये स्पष्ट था कि राजा आम्बी जो कह रहा है वो सत्य है। तभी आम्बी ने आगे कहा, अब यदि हमें सेल्यूकस को पराजित करना है तो हमें उसके इन सहयोगी सेनापतियों के संगठन को तोड़ना होगा। अब हो सकता है कि कुमारी हेलेना की दृष्टि में ये कार्य असंभव हो, किंतु मेरी दृष्टि में ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि एक सेनापति ऐसा है जिसे हम
बड़ी ही आसानी से सेल्यूकस के विरुद्ध कर सकते हैं और उसके माध्यम से एक दूसरे सेनापतियों को भी अपने पक्ष में करके सेल्यूकस की शक्ति को क्षीण कर सकते हैं। आचार्य सहित समूची राज्यसभा की उत्सुकता सहसा बढ़ गई कि आखिर ऐसा कौन सा सेनापति है जिसे सेल्यूकस के विरुद्ध किया जा सकता है। अम्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समय गांधार में सेल्यूकस के दो सहयोगी सेनापति मौजूद हैं, यद्यपि वे दोनों ही सेल्यूकस के कनिष्ठ हैं, तो एक तरह से वे सेल्यूकस के अधीन ही कार्यरत हैं, किंतु फिर भी उनकी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। यूनान में उनके पास भी अपने स्वतंत्र प्रांत और सेनाएं हैं। इनमें से एक सेनापति का नाम दिमित्रिस है, जिसका सामना शशांक से पहले भी हो चुका है, किंतु ये सेल्यूकस का घनघोर स्वामी भक्त है, अतः उसे तोड़ पाना असंभव है। लेकिन एक दूसरा सेनापति है जिसका नाम कोलीन है, वो बड़ी ही आसानी से सेल्यूकस के विरुद्ध हो सकता है। कोलीन का नाम सुनकर हेलेना को एक तेज झटका लगा। चंद्रगुप्त भी एकाएक चौंक उठा, क्योंकि उसे याद आया था कि ये वही कोलीन है जिसका विवाह हेलेना से होने वाला था, और इसी कारण हेलेना यूनान छोड़कर भागी थी, और ये वही कोलीन था जिसका सामना पलाक्षद्वीप पर चंद्रगुप्त से हुआ था। विदा समा में आम्बिका स्वर फिर से गूंजा, आचार्य, हमें अपनी सैन्य रणनीति बनाने के साथ साथ इस कूटनीति पर भी विचार करना चाहिए। कोलीन के माध्यम से हम सेल्यूकस का सैन्य बल क्षीण कर सकते हैं। आचार्य अब गहन सोच में डूब गए। राज्यसभा में फिर से तनाव भरा सन्नाटा छा गया था। कुछ पल विचार करने के उपरांत आचार्य ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए पूछा, आप सब सभासद और मंत्रियों की क्या राय है? क्या राजा आम्बी का सुझाव स्वीकार करने योग्य है? सभी सभासद और मंत्री आपस में विचार विमर्श करने लगे। फिर मंत्री केशव ने अपने स्थान से उठते हुए कहा, आचार्य, निश्चित रूप से राजा आम्बी की योजना बहुत प्रभावकारी और मगध के लिए कल्याणकारी सिद्ध होने वाली है, और क्योंकि ये प्रश्न केवल मगध की रक्षा का नहीं बल्कि हमें समुचे राष्ट्र को विदेशी आक्रांताओं से सदा सदा के लिए सुरक्षित रखना है, और इसके लिए हम साम दाम दंड भेद हर रीति का पालन करेंगे। पहले भी आपने धनानंद का नाश करने हेतु कई युक्तियों का सहारा लिया ही है, जबकि इस बार तो हमारा शत्रु कहीं अधिक शक्तिशाली है। अतः सम्राट चंद्र के असीम शौर्य के साथ साथ राजा आम्बी की योजना को भी क्रियान्वित किया जा सके तो हमारी विजय सुनिश्चित है आचार्य। जब मंत्री केशव के इस कथन पर सभी ने अपनी अपनी सहमति जताई तो आचार्य ने निर्णायक स्वर में कहा, ठीक है, तो फिर राजा आम्बी का सुझाव स्वीकार किया जाता है। सेल्यूकस के विरुद्ध जो रणनीति तय की जा चुकी है उसके साथ साथ अब इस कूटनीति पर भी काम किया जाएगा, कोलीन के माध्यम से ग्रीक सेना को खंडित किया जाए, और मैं ये उत्तरदायित्व राजा आम्बी को ही सौंपता हूँ। आचार्य का यह निर्णय सुनकर आम्बी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन अब शशांक और उग्रसेन के साथ साथ चंद्रगुप्त के मन में भी आम्बी के प्रति संदेह और भी प्रबल हो गया था। लेकिन इसी के साथ उसके मन में प्रश्न था कि आज की राज्यसभा में हेलेना को वो स्थान क्यों नहीं दिया गया जो मगध की साम्राज्ञी के लिए निर्धारित है। जब सभा का समापन हुआ तो चंद्रगुप्त ने यह प्रश्न आचार्य से पूछा। हेलेना भी उसके साथ ही थी। आचार्य ने सहज भाव से कहा, तुम दोनों का गंधर्व विवाह हुआ है चंद्र, और इसे सभासद तथा मंत्रीगण स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि मगध के नागरिकों में भी इससे रोष व्याप्त हो सकता है। अतः विधिवत विवाह होने के बाद ही हेलेना मगध की राज्यसभा में साम्राज्ञी के रूप में आसीन हो सकती है। आचार्य की बात पूरी होते ही हेलेना सहसा बहुत ही व्यथित स्वर में कह उठी, पर हमारा विधिवत विवाह इस महायुद्ध के बाद ही संभव होगा ना आचार्य? किंतु यदि इस युद्ध में हम पराजित रहे तो? आचार्य एक पल के लिए तो मौन हो गए। उन्होंने हेलेना के सर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखते हुए कहा, तुम इतना चिंतित क्यों होती हो पुत्री? महादेव पर भरोसा रखो,
वे सब कल्याण करेंगे। विवाह की रीति भले ही कोई भी हो, किंतु तुम और चंद्र अब पति पत्नी हो, और मैं तो तुम्हें मगध की साम्राज्ञी ही मानता हूँ। मैं अब इस महायुद्ध में अपने सम्राट का सहयोग करना है, और ईश्वर ना करे किंतु यदि इस युद्ध में चंद्र को कुछ हो गया तो फिर आगे का युद्ध हम तुम्हारे ही नेतृत्व में लड़ेंगे। बेटी हेलेना अब चाहकर भी कुछ न कह सकी। आचार्य अब अपने कक्ष की ओर जाने लगे कि तभी चंद्रगुप्त ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु राजा आम्बी के विषय में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आपको क्या उनका वो सुझाव उचित लगता है? आचार्य अभी इसका कोई जवाब देते कि उन्होंने देखा कि अभी अभी शशांक भी वहां चला आया था, और उसकी आंखों में भी यही प्रश्न दिखाई दे रहा था। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी निजी राय इसमें कोई अर्थ नहीं रखती चंद्र। आम्बी के इस उपाय को समुची राज सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है, और यदि इससे हमें सेल्यूकस को पराजित करने में मदद मिल सकती है तो फिर ये उचित ही है। चंद्रगुप्त अब थोड़े रोष भरे स्वर में बोला, क्या आपको नहीं लगता आचार्य कि इसके पीछे आम्बी का कोई निजी हित छुपा हुआ है, और इसलिए वो ये सब नाटक कर रहा है? आचार्य ने सहजता से कहा, हर कार्य के पीछे निजी हित अवश्य होता है चंद्र, और उसका होना आवश्यक भी है, तभी कोई मनुष्य कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आम्बी का निजी हित ये है कि उसे अपना गांधार वापस चाहिए, तो इसमें भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। यदि आम्बी की सहायता से हम सेल्यूकस को पराजित कर देते हैं तो उसे हम गांधार का आधिपत्य सौंप सकते हैं, लेकिन तब आम्बी और गांधार दोनों ही हमारे नियंत्रण में होंगे। अतः तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त सहसा बोल उठा, किंतु आचार्य सेल्यूकस को पराजित करने के लिए राजा आम्बी कोलीन को अपने पक्ष में करके उसका सहयोग लेगा, यानी कोलीन भविष्य में भी उसका सहयोग करेगा, तब यही आम्बी मगध के लिए नया संकट खड़ा कर सकता है, और ये कोलीन हमारे लिए नया सेल्यूकस बन जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त की इस आशंका पर आचार्य चिंतित होने के बजाय सहसा मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने उसके निकट आते हुए कहा, तुम्हारी इस दूरदर्शिता पर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है चंद्र। एक शासक